हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को विधानसभा में दफ्तर नहीं मिल पाएगा। विधानसभा में मुख्यमंत्री, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और संसदीय कार्य मंत्री के दफ्तर का प्रावधान है। दुष्यंत चौटाला से पहले भी हरियाणा के 5 डिप्टी सीएम रह चुके हैं, लेकिन किसी को विधानसभा में दफ्तर उपलब्ध नहीं कराया गया था। पंजाब और हरियाणा की विधानसभाएं एक ही परिसर में स्थित हैं। विधानसभा सचिवालय ने जगह की कमी का हवाला देते हुए दुष्यंत चौटाला को दफ्तर देने से मना किया है। हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र 4 नवंबर से 6 नवंबर तक होना है। विधानसभा सत्र को देखते हुए जननायक जनता पार्टी ने सचिवालय से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को विधानसभा में दफ्तर देने की मांग की थी। विधानसभा सचिवालय ने जेजेपी की इस मांग को पूरा करने से साफ मना कर दिया है। सचिवालय ने कहा है कि उप मुख्यमंत्री या किसी दूसरे मंत्री के विधानसभा में दफ्तर का कोई प्रावधान नहीं है। सचिवालय की ओर से जगह की कमी का हवाला दिया गया है। बता दें कि चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा विधानसभाएं एक ही परिसर में स्थित है। इस परिसर के 60% हिस्से में पंजाब और 40% हिस्से में हरियाणा विधानसभा चल रही है। दुष्यंत चौटाला से पहले भी हरियाणा के 5 डिप्टी सीएम रह चुके हैं, लेकिन किसी को भी दफ्तर उपलब्ध नहीं कराया गया था। विधानसभा सचिवालय में जगह की भारी कमी है। जगह की कमी के कारण ही हरियाणा विधानसभा को पेपरलेस करने का सपना पूरा नहीं हो सका है। विधानसभा को पेपरलेस करने के लिए बड़ा तकनीकी सिस्टम लगाने की जरूरत है, जिसको लगाने के लिए जगह नहीं है। अलबत्ता विधानसभा में विपक्ष के नेता के दफ्तर का प्रावधान है। विपक्ष के नेता को दफ्तर के अलावा स्टाफ, गाड़ी और कोठी भी दी जाती है। पंजाब सरकार ने 6 नवंबर को हरियाणा के विधायकों को संयुक्त अधिवेशन के लिए आमंत्रित किया है। पंजाब कैबिनेट की बैठक में इसके लिए प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन हरियाणा सरकार ने पंजाब के इस प्रस्ताव पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। सचिवालय के अनुसार 4 नवंबर को विधानसभा का सत्र शुरू होने पर विधायकों को पंजाब के प्रस्ताव की जानकारी दी जाएगी। उसके बाद विधानसभा में ही इस प्रस्ताव पर कोई निर्णय लिया जाएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। हरियाणा सरकार में जेजेपी की स्थिति के बारे में 2 शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि हमारे हर एक नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।